सत श्री अकाल, मैं हरजीत अपने चैनल हरजीत की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अष्टमी और नवमी स्पेशल रेसिपी बना रही हूँ, जो कि है सूखे काले चने और सूजी का हलवा। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत टेस्टी बनते हैं, तो फिर इन्हें बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। सबसे पहले हम बनाएंगे काले चने। तो इसके लिए मैंने ये 200 ग्राम काले चने लिए हैं। ये एक कटोरी काले चने जिनको मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था, इस कटोरी से नाप कर लिया है। अब इसका पानी हम निकाल देंगे। अब चनों को हमने उबालना है, तो इसके लिए मैंने कुकर ले लिया है। इसमें डाल देंगे एक गिलास पानी और साथ में डाल देंगे काले चने। इसका पानी मैंने निकाल दिया है और अब इसमें जाएगा नमक। स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दें और कुकर को बंद करके गैस पर रख देंगे और इसमें हम फुल फ्लेम पर दो विसल आने देंगे। जब दो विसल आ जाएंगी तो गैस को हम सिम कर देंगे और 10 मिनट तक सिम गैस पर इनको पकने देंगे। और उसके बाद कुकर में से जब गैस निकल जाएगी, यानी कुकर जब ठंडा हो जाएगा, तब इसे हम खोलेंगे। तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं चनों के लिए। तो इसके लिए मैंने एक बॉल ले लिया है, इसमें मैं सूखे मसाले मिक्स करूँगी। तो सबसे पहले तो इसमें डालेंगे नमक। नमक हमने छोलों को उबालते वक्त भी डाला हुआ है, तो इसलिए अभी थोड़ा कम ही डालेंगे। अब इसमें डालनी है हल्दी। तो हल्दी इसमें कम ही डाली जाती है, तो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे बस। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा पिसा धनिया। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर। 1/2 टीस्पून इसमें डालना है आमचूर पाउडर। और अब इसमें जाएगा 2 टीस्पून चना मसाला। आप किसी भी ब्रांड का चना मसाला ले सकते हैं। अब हम चने बना रहे हैं तो चना मसाला तो डालना जरूरी है, इसके बिना इसका टेस्ट अधूरा सा ही लगेगा। अब इनको कर लेंगे मिक्स। वैसे तो इन मसालों को जीरा डालने के बाद ऑयल में ऐसे भी डाला जा सकता था, पर इस तरह से करने से जो है मसालों के जलने का थोड़ा सा डर नहीं रहता है। तो थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे पानी और इनको कर लेंगे मिक्स। अब ये मिक्स हो गए हैं सारे मसाले, तो अभी इसको एक साइड में रख देंगे। कुकर में से हवा निकल चुकी थी, यानी कि कुकर ठंडा हो गया, तो इसे मैंने खोल लिया है। तो अब ये देखें, चने जो हैं उबल चुके हैं। एक दाना मैं दबाकर आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखें, अच्छी तरह से दब रहा है, यानी चने गल चुके हैं। और इसमें जो पानी है, देखें थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है, उसको हम निकाल देंगे। इस पानी को आप दाल बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऐसे ही इसमें थोड़ा सा देसी घी और चाट मसाला डालकर पी सकते हैं। बहुत ही हेल्दी होता है। अब चने बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए गैस पर मैंने कढ़ाई रख ली है। इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। इसे मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब सरसों का तेल जो है गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे जीरा। तो ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। जीरा भी क्रैकल हो गया है, तो इस समय इसमें डालेंगे अदरक। तो ये मैंने थोड़े से अदरक को कद्दूकस करके लिया है। आप चाहे तो अदरक को चाहे काट कर ले लें छोटा छोटा, या फिर कद्दूकस करके ले लें। अदरक का टेस्ट चनों में बहुत ही अच्छा आता है। अब इसमें जाएगी हरी मिर्च। तो एक हरी मिर्च को तो मैंने लंबा और बीच से काट कर ले लिया है, और एक हरी मिर्च को छोटा छोटा काट कर लिया है। तो अब दोनों डाल देंगे इसमें। अब देखें, अदरक और हरी मिर्च जो है थोड़ा सा सोते हो गए हैं। तो इस समय इसमें डाल लेंगे हम मसाले जिनको हमने घोल कर रखा हुआ है। इनको भी हम थोड़ा सा सोते कर लेंगे, जिससे कि मसाले जो है वो पक जाए, उनमें कच्चा फ्लेवर ना रह जाए। अब ये देखिए, मसाले हमारे पक गए हैं और ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। अब इस समय मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। तो ये मैंने 2 छोटे साइज़ के टमाटर को मिक्सी में पीस कर लिया है। अगर आप बड़े साइज़ का टमाटर लें तो चाहे एक ही ले लें। अगर आप चनों में टमाटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर दें। इसके बिना भी चने जो है बहुत ही टेस्टी बनते हैं। बिना टमाटर के सूखे काले चने की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है। वीडियो के एंड में उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। टमाटर को हमने पकाना है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे पकने में, क्योंकि ये पिसे हुए ही हैं टमाटर। टमाटर डालने से जो है मसाला बहुत अच्छा बन जाएगा, और जो हमारे चने हैं वो सूखे सूखे से नहीं रहेंगे, और चनों पे एक मसाला लग जाएगा, ये टमाटर वाला मसाला, तो वो बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अब ये देखिए, टमाटर पक गए हैं और साइड से ऑयल भी सेपरेट हो रहा है। तो इस समय इसमें डाल लेंगे हम चने और इनको कर लेंगे मिक्स। 1 मिनट के करीब इसे हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि चने हमारे गले हुए हैं।
इस तरह से जब हम चने बनाते हैं वो बहुत ही मसालेदार बनते हैं, बिल्कुल सूखे नहीं रहते हैं, हल्का सा इसमें मसाला होता है। तो अब ये एक मिनट हो गया है, इस समय इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा गर्म मसाला और कसूरी मेथी। अगर आप कसूरी मेथी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह हरा धनिया डाल लें। अब ये हमारे काले चने बनकर हो गए हैं तैयार। साइड से देखें ऑयल भी सेपरेट हो रहा है, तो अब गैस को कर देंगे बंद। तो ये हमारे काले चने बन गए हैं, इसे मैंने एक बॉल में निकाल लिया है। चने तो तैयार हो गए हैं, अब बना लेंगे सूजी का हलवा। सूजी का हलवा बनाने के लिए देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने ली है 1 कप सूजी और साथ में 1 कप ही शुगर ली है। देसी घी मैंने लिया है 3/4 कप। थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू, बादाम, किशमिश। आप इसमें सूखा नारियल डालें वो भी बहुत टेस्टी लगता है। और पानी मैंने लिया है 4 कप। जितनी आपने सूजी लेनी है पानी उसका 4 टाइम लेना है आपने। अब हलवा बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए गैस पे मैंने कढ़ाई रख ली है, इसमें डाल लेंगे देसी घी। हलवा आप देसी घी में ही बनाएं, इसी में ज़्यादा टेस्टी बनता है। अब घी गर्म हो गया है तो इसमें डाल देंगे सूजी। इसको हम लो मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे। आप जिस कटोरी या कप से नाप कर सूजी लें उसी से नाप कर आप शुगर और देसी घी और पानी लें। सूजी को आप लगातार चलाते रहें जिससे कि नीचे नहीं लगेगी। अभी 2 मिनट ही हुए हैं और इसमें से खुशबू भी अच्छी आने लगी है। इस तरह से जब हम सूजी को अच्छी तरह से भूनते रहते हैं तो इसका कलर तो अच्छा आता ही है, साथ में ही हलवा जो है बहुत ही दानेदार बनकर तैयार होता है। अब ये देखें सूजी का कलर जो है लगातार चेंज हो रहा है। अब तक इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं। सूजी को हम अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर सूजी अच्छी तरह से भुनेगी तभी हलवे का टेस्ट अच्छा आएगा। 5 से 6 मिनट लग जाएंगे इसमें। सूजी के हलवे की और भी रेसिपी मेरे चैनल पर है, उसको मैंने थोड़े अलग तरीके से बनाया हुआ है। अगर आप उसको भी देखना चाहते हो तो वीडियो के एंड में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अब 6 मिनट के करीब हो गए हैं। अब ये देखें इसका कलर ठीक आ गया है, जैसा कि प्रसाद वाले हलवे में होता है वैसा आ गया है। तो इससे ज़्यादा इसे अभी और नहीं हम भुनेंगे, तो गैस को इस समय बिल्कुल सिम कर देंगे और इसमें पानी डाल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे शुगर। तो शुगर आप चाहे तो थोड़ी कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने स्वाद के अनुसार। अब साथ में इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। अब गैस की फ्लेम को हम फुल कर देंगे जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता है। आप इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अभी आपको लग रहा होगा कि इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, थोड़ी देर में ही सारा पानी सूख जाएगा। सूजी जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। अब देखें बॉईल आ गया है, तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे अब अपने आप ही पकने देंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा नहीं सुखाएंगे क्योंकि जो सूजी का हलवा है थोड़ी देर रखे रहने से ठीक हो ही जाता है। आज तो इसे हम प्रसाद के लिए बना रहे हैं, प्रसाद के अलावा भी आप इसे घर में बना सकते हैं। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो फटाफट बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है ये। अब ये देखिए थोड़ा ठीक हो गया है, पानी भी जो है वो कम होता जा रहा है। अब इसमें बबल भी आ रहे हैं। बबल आने का मतलब ही होता है कि हलवा जो है वो तैयार होने वाला है। इस समय जब बबल आते हैं तो छींटे भी बहुत उड़ते हैं, तो इस समय आपने थोड़ा एहतियात से बनाना है, हाथों को बचाते हुए से बनाना है। हलवे को हम पूरा नहीं सुखाएंगे क्योंकि ये रखा रहने से ठीक हो जाता है। हलवा हमारा अब तैयार हो गया है, तो इसे मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। देखिए कितना दानेदार बना है। तो अब साइड से भी देखिए घी जो है अलग होने लग गया है। अब गैस को हम बंद कर देंगे क्योंकि हलवा अब बन गया और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब ये देखिए हलवे को मैंने बॉल में निकाल भी लिया है। अब ये मसालेदार काले चने बनकर तैयार हो गए हैं और साथ में सूजी का हलवा भी बन गया है। इसके साथ आप गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाएं और उसके साथ इसे सर्व करें। पूड़ी के साथ इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पूड़ी के साथ छोले तो अच्छे लगते ही हैं, मुझे तो पूड़ी के साथ हलवा भी बहुत पसंद आता है। तो फिर आप इसे घर पर ट्राई करें और अपना फीडबैक दें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप इसे लाइक और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।